सरायकेला जिला के गम्हरे प्रखंड के चौड़ा गांव का सामुदायिक जमीन 2013 में रामकृष्ण फर्जिंग कंपनी द्वारा 1 एकड़ 32 डिसमिल ले लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। पूरा गांव वासी जा कर के देखे कि मतलब हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कि हमारे जमीन को मतलब घेराबंदी कर रहे हैं। तब हम लोग ने कंपनी को बोले, देखिए सर, ये तो हमारे जमीन जैसे लग रहे हैं और आप हम लोग को बिना पूछे मतलब इसमें घेराबंदी कर रहे हैं, ये तो हमारे जमीन के अंदर ही हम लोग को लग रहे हैं, इसके लिए आप कोई मतलब ओमिन के माध्यम से कोई माफी जो कि कराए हैं कि नहीं कराए हैं, ये तो हम लोग को पता नहीं है। और हम लोग को बिना ग्राम सभा करके हमारे ग्राम सभा जमीन को आप कब्जा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं हो रही है। हमारे गाँव वालों से आपको पहले ग्राम सभा करके हम लोग को अवगत करना देना चाहिए था, तब जा कर के ही मतलब आप इस जगह पे मतलब घेराबंदी कर सकते हैं। खेती बाड़ी से हम लोग जुड़े हैं, इसीलिए हम लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि यही हमारा पूर्वजों का देन है और ना ही हम लोगों का दूसरा कोई पूंजी है, सिर्फ जमीन ही हम लोगों का पूंजी है, इसलिए हम लोगों को मतलब कंपनी को देना नहीं चाहते हैं। और यहाँ आदितपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगभग 1600 फैक्ट्री है, वहाँ आदिवासी लोग कितना काम करता है, उसका कितना परसेंट काम करता है। दूसरी बात है, आदिवासी यहाँ जमीन तो देता है, आदिवासी की बात करता है, उसके बाद यहाँ बाहरी आदमी का बाढ़ आ जाता है और यहाँ आदमी बेकार हो जाता है और विस्थापित हो जाता है। एक बार अगर आदमी जमीन छीना जाने के बाद वो हमेशा एकदम खानाबदोश की तरह ज़िंदगी जीता है, इसलिए हम लोग उसी डर से फैक्ट्री को गांव में बसाना नहीं चाहते हैं। बाउंड्री बनने के समय आप लोग ने विरोध किया था? हाँ, हम लोग उस वक्त विरोध किए थे। कैसे विरोध किए थे? हम लोग का जो पारंपरिक हथियार है तीर धनुष लेके, वहाँ जो काम हो रहा था उसको बंद करवाए। फिर भी बाउंड्री बना? नहीं, बाउंड्री उसके बाद कंपनी के कुछ पदाधिकारी आए, बोलता है कि उसके लिए बातचीत किया जाएगा और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ बातचीत करने के लिए गए तो बातचीत हम लोग का सफल नहीं हुआ और वो लोग जर जबरदस्ती वहाँ बाउंड्री खड़ा किया। काम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मेरा लड़ाई, हम सब गांव वालों का लड़ाई जारी रहेगा। मैंने इस समस्या पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि रामकृष्ण फर्जिंग कंपनी ने पैसा कानून का उल्लंघन करके इस ज़मीन को लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसमें लोगों का खेती लायक जमीन भी है और एक प्राकृतिक नाला भी है, इसलिए वहां के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पैसा कानून को सख्ती से लागू करने और कंपनी द्वारा जबरन लिए गए ज़मीन को वापस करने हेतु जिला उपायुक्त सरायकेला खरसवां, नाम कृपानंद झा, कार्यालय नंबर 06597234002 में आप सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि इस नंबर पर कॉल करें और हमारे जिला उपायुक्त के ऊपर दबाव बनाएं ताकि हमारे चौड़ा ग्राम वासियों को उनका ज़मीन मिल सके। मैं सुजीता, जिला सरायकेला खरसवां, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।